नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। हमारी रोबिन हुड सीरीज के पिछले एपिसोड में अब तक आपने देखा कि किसी अनजान शख्स ने खंडवा जिले में चारो फॉरेस्ट के इलाके के पास सोनखेड़ी गांव के साहूकार के यहां गुप्त अंधेरी रात में दस्तक दी। कहानी अब आगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करो यार, हमें आपके सपोर्ट की सख्त जरूरत है। आपके सब्सक्राइब करने से हमें ऐसी ही और स्टोरीज बनाने में मोटिवेशन मिलता है। सोनखेड़ी गांव के साहूकार के घर में घुसा वह शख्स साहूकार को तकिए से बेहोश करके वहां मौजूद तिजोरी तोड़ देता है। तिजोरी में सोने चांदी के आभूषण और नकदी रुपयों का भंडार था। वह शख्स उन नोटों को एक तरफ सरकाकर वहां से एक कागजों का बंडल उठा लेता है और पीछे के दरवाजे से मकड़ाई रियासत की तरफ कालीभीत के जंगलों में अपने साथियों के साथ कहीं गायब हो जाता है। जब तक कि कोठी का चौकीदार और गांव वाले कुछ समझ पाते, तब तक वो शख्स वहां से गायब हो चुका होता है। कुछ देर में साहूकार को भी होश आ चुका था। सभी साहूकार को जीवित देखकर खुश थे और हैरान भी थे कि यदि वो शख्स बदले के इरादे से आया था तो फिर उसने साहूकार को जीवित क्यों छोड़ दिया। आखिर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह चोर चुरा कर क्या गया था। उस कमरे में सब कुछ तो वहीं पर था। सभी लोग इस बात को सोचकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और समझ नहीं पाते कि ऐसा किसने किया है और क्यों किया है। इसके बाद चौकीदार पास के ही पुलिस स्टेशन छिपावड़ में शिकायत करने की बात कहता है। छिपावड़ थाना वहां से 24 किलोमीटर उत्तर पूर्व में था, परंतु सोनखेड़ी के साहूकार उसकी इस सलाह को नामंजूर कर देते हैं। वो चौकीदार से कहते हैं, अगर ये बात थाने पर गई तो तुम्हें पता नहीं किस तरीके से थानेदार अपनी नाराजगी व्यक्त करेंगे और हो सकता है कि वो इसके लिए मुझे ही थाने में डाल दे। इसलिए पहले हम अपने स्तर पर ही खोज करते हैं। यदि हम इसमें असफल होंगे तभी हम थानेदार को इस घटना की सूचना देंगे, लेकिन तब तक कोई भी अपना मुंह नहीं खोलेगा। वहीं चारवा फॉरेस्ट के भील वन में अचानक एक हथियारबंद टोली प्रकट होती है जिसकी अगुवाई रेंगू कोरकू कर रहे थे। रेंगू कोरकू टंटा भील से मिलने पहुंचे और उनके सामने पहुंचकर अभिवादन करते हैं। राम राम टंटा मामा, काम हो गया। कुछ देर शांत रहने के बाद टंटा भील कहते हैं, बड़ी जल्दी काम निपटा दिया रेंगा, मुझे लग रहा था एक दो दिन और लगेंगे। इस पर रेंगू कोरकू बोले, जल्दी कैसे नहीं होता मामा, सोनखेड़ी गांव में ही तो पैदा हुआ हूं मैं, बहुत ढोर चराए हैं वहां पे और पूरा बचपन वहीं तो बीता है मेरा, वहां के तो चप्पे चप्पे से वाकिफ हूं मैं, तो फिर साहूकार की कोठी क्या चीज है। इतना कहकर सब के सब ठहाका मारकर हंसने लग गए। इसके बाद रेंगू कोरकू अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, मामा आपने बहुत दिया है हमको, अब हमारा भी फर्ज बनता है कि आपको कोई दिक्कत ना आने दें। जैसे ही आपका संदेशा मिला, बांध लिए अपने साफे के ऊपर गोफन और चल दिए। वैसे भी इलाके के 200 बागियों में से किसी एक में भी इतनी हिमाकत नहीं है कि टंटा भील का हुक्म हो और थोड़ी सी भी देर हो जाए। रेंगू कोरकू की बातें सुनकर टंटा मामा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। पास ही खड़े दीपिया पूरे घटनाक्रम को एकटक निहार रहे थे, थोड़े बुझे बुझे से लग रहे थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आया तो वो फटाक से बोल पड़े, पर मामा ये सब हुआ कैसे और क्या आदेश दिया था आपने रेंग्या को? दीपिया की उलझन को दूर करते हुए टंटा भील ने उनसे कहा, दीपिया एक सरदार का कर्तव्य सिर्फ अपने इलाके पर हुक्म चलाना ही नहीं बल्कि गांव वालों के बीच में जाकर उनकी परेशानियों को समझना भी है, और ऐसा ही कुछ करने के लिए मैंने रेंग्या को उसके ही गांव सोनखेड़ी के साहूकार के घर से
ये चीज लेने भेजा था। ऐसा कहकर टंट्या मामा ने वो कागजों का बंडल दीपिया को दिखाया। दीपिया उस बंडल को खोलकर देखते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, वाह रेंगिया, बड़ा हाथ मार लाया रे तू तो। सोनखेड़ी के साहूकार की दुखती नस पर हाथ रख दिया और वो बेचारा तो इस चीज की शिकायत छिपाबड़ थाने में भी नहीं कर सकता। आखिर क्या था उन कागजों के बंडलों में जो रेंगू गोरकू ने सोने चांदी के आभूषण तक उसके लिए वहीं छोड़ दिए, और क्यों सोनखेड़ी के साहूकार ने इस बात की शिकायत छिपाबड़ थाने पर नहीं की? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको रोबिनहुड सीरीज के अगले एपिसोड में। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल धरती आबा को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लो यार। अभी तो आपको टंटे भील के 400 डाकों की इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ बहुत कुछ बताना बाकी है। ऐसे ही नहीं कहते थे अंग्रेज उनको इंडिया का रॉबिनहुड। 300 स्क्वायर माइल्स के एरिया में गरीब और जरूरतमंद लोगों के पालनहार है टंट्या मामा। आज के इस एपिसोड में इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय जोहार।